हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज हम लोग स्टॉक मार्केट में कुछ मार्केट को कैसे रीड करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इंट्राडे स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो तब तक चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसमें आपको बहुत ही अच्छा चीज़ आपको मिलेगा, जो आपको शायद ही पता होगा या नहीं होगा। अगर पता होगा तो फिर भी आप वीडियो को देखिए, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कैसा लगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट को इंट्राडे के लिए कैसे देखते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्टॉक मार्केट स्टॉक सिलेक्शन के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसमें क्या करना है, पर एक अच्छा स्टॉक को आपको चुनने के लिए चुन लेते हैं, लेकिन क्या होता है उस पर आप लोग मेहनत नहीं करते हैं और हम लोग भी मेहनत नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा लॉस हो जाता है। और देखिए, आपको स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए पहले तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ कुछ क्राइटेरिया है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी, आप मान लीजिए इक्विटी में हो, कमोडिटी में, किसी में भी हो। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए स्टॉक्स में, स्टॉक्स में मान लीजिए ट्रेड करते हैं, हमें पता है कि सेक्टर बना हुआ, हर स्टॉक का एक सेक्टर होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, उसी तरह मीडिया सेक्टर हो गया, किसी तरह का आप सेक्टर समझ लीजिए। उस सेक्टर में आपको क्या करना है, दो तीन सेक्टर का एक एक स्टॉक पकड़ लेना है उसमें। जैसे सपोज कीजिए आप आईटी सेक्टर का, आईटी सेक्टर का मतलब टीसीएस है, उसको पकड़ लिए, बैंकिंग सेक्टर का कोई ऐसा बैंक, एचडीएफसी बैंक पकड़ लिया मैंने, उस टाइप से आपको क्या करना है, सेक्टर पकड़ के आप उसमें से क्या किए, 5 से 7 स्टॉक हर सेक्टर का एक दो पकड़ लीजिए, उसी पे आपको ट्रेड करना है, बाय करना है, सेल करना है, उसी का सब कुछ करना है। चाहे कोई सा भी स्टॉक हो जिसमें आपको लगता है कि नहीं, इसमें ट्रेड करना जिसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होता हो, जैसे टाटा का कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा का भी आप चले गए, उसमें भी आप जाते हैं तो अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपया का है, आप उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, स्टॉक सिलेक्शन जब हो जाता है आपका, तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें कुछ डाउन और अप एक होता है, मतलब समझ लीजिए डाउन और अप, क्या मार्केट अप और डाउन कितना गया है, डाउन अप्रोच और अप अप्रोच को आपको उसमें फॉलो करना है। देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए टाटा का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, अभी वो मान लीजिए ऊपर चला गया, हाई गया है 105 रुपये तक, ठीक है, और नीचे गया है 90 रुपये तक, तो नीचे क्या हुआ, डाउन ट्रेंड हो गया, कितना 10 रुपये नीचे गया, ऊपर गया 5 रुपये। आप अगर इसको आप जब देखेंगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो आपको ये रियलाइज होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट पे आके और बैक होता है और बिलो चला जाता है। तो इसी बीच में आपको क्या करना है, 15 मिनट 10 मिनट और 1 घंटा का चार्ट को देखना है उसमें, और उस टाइम फ्रेड में आपको क्या करना है कि बाय और सेल करना है। देखिए, उसमें होता क्या है कि आप मान लीजिए 5-6 स्टॉक को बार बार देखेंगे और उसी में ट्रेड करेंगे, तो आपको क्या होगा, पूरा अंदाज़ा लग जाएगा, हाँ भाई आप क्या मार्केट किधर ले जाएगा नहीं जाएगा। और ये आपको करना है 2 से 3 महीना करना है, ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, लोग क्या करते हैं, देखिए 10-15-50 स्टॉक ले लिया, देख रहा है कि मार्केट में जो मूव हो रहा है उसी को बाय कर लिया, सेल कर लिया, उसको यही नहीं पता अब मार्केट ऊपर जा रहा है, अब आपने जब बाय किया तो मार्केट नीचे आ गया, इसमें क्या होता है, हमारा नुकसान हो जाता है। अगर आप इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हैं तो पिछले दिन का मेहनत ही काम आएगी आपका। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए मार्केट बंद होता है, मार्केट बंद होने के बाद आप उसको एनालिसिस कीजिए कि 15 मिनट में जो मेरा लॉस हुआ है वो किस कारण से हुआ है, क्या मैंने मार्केट को रीड किया था और मार्केट को गलत तरीक़ा से रीड नहीं कर लिया है, तो आप मार्केट में सफल हो पाएंगे। देखिए, अभी अप्रोच क्या है, कैसे अपना अपनाया जाता है समझ लीजिए। इंट्राडे में सफल के लिए टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करें। टॉप डाउन, जैसे कि मैंने बताया, टॉप डाउन क्या होता है कि मार्केट टॉप में ऊपर कितना गया, डाउन कितना गया, उसी के बीच में हमको पता है कि मार्केट इतना, जब 10 दिन आप एक ही चार्ट को देखेंगे तो एक क्या होता है कि स्टॉक एक ही टाइम पीरियड में मूव करते रहता है और एक ही प्राइस में वो मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा का कोई लीजिए, प्राइस लीजिए 100 रुपया का है, वो 120 से ऊपर जा ही नहीं सकता, आपको पता है बड़ा कंपनी इतना मूव नहीं हो सकता उसमें, तो आपको पता है 120 चला गया, आप मार्केट नीचे जाकर आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, देखिए इसमें क्या करता है, इंट्राडे में कुछ कुछ सफलता के लिए मेहनत तो वो लाना पड़ेगा आपको, जैसे कि सेक्टर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद चार्ट को आपको 5 मिनट 10 15 20 मिनट 1 घंटा तक आप चार्ट को देखिए कि 1 घंटे के अंदर में क्या कर सकता है। आप इंट्राडे करते हैं तो ठीक है, अगर मान लीजिए इंट्राडे नहीं करते हैं आप, चाहे मान लीजिए 1 सप्ताह 10 दिन के लिए आप होल्ड करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, डेली और मंथली का भी आप चार्ट देख सकते हैं, मंथली वीकली इसको देखना पड़ता है आपको। देखिए, होमवर्क जो है ना, डेली चार्ट को खुद, तो बाजार बंद होने के बाद डेली चार्ट हर सेक्टर का सर्वश्रेष्ठ चुनिए, उसे लिखिए और पढ़िए उसको। आप यह मेहनत रोजाना करते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई भी ट्रेड करते हैं, 1 महीना 10 दिन आप कीजिए, 10 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप आराम से बाय करेंगे सेल करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा हाउ टू रीड मार्केट, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।